Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar amri इड्रेट आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उनमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल नेचर को भी डिस्कस करना है और कार्बोहाइड्रेट्स की ऑर्गेनिजम्स के अंदर अक्रेंस और उसका जो रोल है उसे भी पॉइंट आउट करेंगे और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर भी बात होगी कार्बोहाइड्रेट्स को तीन मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है जैसे मोनोसेक्राइड्स ओलीगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड तो इन तीनों की करेक्ट्रिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे और इनसे जो रेलिवेंट एम हैं उनको डिस्कस करेंगे चलें तो लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स को पहले डिफाइन किया जाता था एज हाइड्रेटेड कार्बन अगर चाहे हम इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते लेकिन हम इसका कॉन्सेप्ट जरा डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रेटेड कार्बन से मतलब क्या है दरअसल ये हाइड्रेटेड कार्बन की टर्म कार्बोहाइड्रेट्स के लिटरल मीनिंग के लिहाज से यूज की जा रही है क्योंकि वर्ड कार्बोहाइड्रेट का लिटरल मीनिंग हाइड्रेटेड कार्बन है हाइड्रेटेड कार्बन से मुराद यह है कि अगर किसी भी कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाए तो आप इस कार्बन को हाइड्रेटेड कार्बन कह सकते हैं जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये कार्बन वाटर के साथ एसोसिएटेड है इस वजह से आप इस कार्बन को हाइड्रेटेड कार्बन कह सकते हैं ठीक है तो आप हाइड्रेटेड कार्बन को इस तरह से भी कह सकते हैं कि एनी कंपाउंड इन विच कार्बन इज एसोसिएटेड विद वाटर मॉलिक्यूल या फिर इसको यूं भी डिफाइन किया जा सकता है कि एनी कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम रेशो एज दे आर प्रेजेंट इन द वाटर जैसे आप देख रहे हैं यहां पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो कितना है टू रेशो वन जिस तरह से वाटर के अंदर इनका रेशो टू रेशो वन होता है बिल्कुल इसी तरह से आपको यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो टू रेशो वन नजर आ रहा है या कोई भी और कंपाउंड जिसमें अगर इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशो टू रेशो वन है और इसके साथ कार्बन भी एसोसिएटेड है तो आप उसको हाइड्रेटेड कार्बन कह सकते हैं मिसाल के तौर पर आप देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल में सिक्स कार्बन आइटम्स हैं और इनके साथ ट्वेल्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हम ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो काउंट करें तो आपको ये रेशो इनके दरमियान क्या नजर आ रहा है टू रेशो वन बिल्कुल वही रेशो जिस रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के अंदर मौजूद होते हैं एग्जैक्टली exactly उसी रेशो के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको ग्लूकोज के अंदर भी नजर आ रहे हैं इस वजह से आप ग्लूकोज के मुताबिक कह सकते हैं कि ग्लूकोज में सिक्स कार्बन सिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड है इस वजह से ग्लूकोज एक हाइड्रेटेड कार्बन है बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए सुक्रोस मॉलिक्यूल सुक्रोस भी कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है इसके अंदर ट्वेल्व कार्बन एटम्स ट्वेंटी टू हाइड्रोजन और इलेवन ऑक्सीजन के साथ मिले हुए आप यहां पर भी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो चेक करें तो आपको एग्जैक्टली exactly इन दोनों के दरमियान वही रेशो नजर आएगा जिस रेशो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर के अंदर मौजूद होते हैं लिहाजा ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों मौजूद हो और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो एक्जैक्टली exactly वही रेशो हो जिस रेशो में ये वाटर के अंदर पाए जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को आप हाइड्रेटेड कार्बन कह सकते हैं या ऐसे कंपाउंड्स को आप कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं अच्छा ये जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की ये अगरचे तो है यानी कार्बोहाइड्रेट इस तरह की करेक्टरिस्टिक शो तो करते हैं लेकिन इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन क्या है कि कुछ दूसरे कंपाउंड्स जो कि हकीकत में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है वो भी इस तरह की करेक्टरिस्टिक शो करते हैं मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड को अगर देखिए तो एसिटिक एसिड का फार्मूला इस तरह से कि इसमें टू कार्बन एटम्स फोर हाइड्रोजन और टू ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है और यहां पर भी अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो देखें तो यह वही रेशो बनता है जिस रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के अंदर मौजूद है लेकिन एस्टिक एसिड एक्चुअली हाइड्रेटेड कार्बन की करेक्टरिस्टिक्स तो शो कर रहा है लेकिन दरअसल ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है ये इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी आपको कार्बोहाइड्रेट का केमिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जाएगा तो आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में ये जो आप, इस, के देख रहे हैं, इस तरह का कोई ग्रुप आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर नजर नहीं आएगा तो ये कंपाउंड हाइड्रेटेड कार्बन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स तो शो कर रहा है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अगर लें लैक्टिक एसिड की तो सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री इसका मोलिकुलर फार्मूला है और इस लिहाज से यहां पर भी आपको हाइड्रेटेड कार्बन वाली सिचुएशन साफ नजर आ रही है लेकिन अगर आप इसका भी स्ट्रक्चर देखिए तो यहां पर भी आपको ये कार्बोक्लिक एसिड ग्रुप नजर आ रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में एक्चुअली एसिड ग्रुप नहीं होता तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड भी दरअसल कार्बोहाइड्रेट है नहीं लेकिन ये हाइड्रेटेड वाली को शो कर रहा है तो आपने देखा कि ये जो हमने हाइड्रेटेड कार्बन का कॉन्सेप्ट शो किया है कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक ये बात दुरुस्त तो है कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक ये बात गलत नहीं है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को सिर्फ हाइड्रेटेड कार्बन के लिहाज से डिफाइन किया जाए तो कंफ्यूजन पैदा होगी क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है लेकिन वो हाइड्रेटेड कार्बन के तौर पर नजर आ रहे होते हैं वो इस तरह से मिसलीड कर सकते हैं तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक और डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स के मुताबिक सजेस्ट की गई और उसको ज्यादा ऑथेंटिक डेफिनेशन माना जाता है और उसी को ज्यादा फॉलो किया जाता है उस डेफिनेशन के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल नेचर को अब इस तरह एक्सप्लेन किया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डीहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और देर डेरेवेटि यानी कार्बोहाइड्रेट या तो उसकी केमिकल नेचर पोलीहाइड्रोक्सीडीहाइड होगी या फिर उसकी केमिकल नेचर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगी या फिर अगर वो कंपाउंड ना तो पोलीहाइडोक्सीडीहाइड है ना पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो वो लाजमी तौर पर पोलीहाइड्रोक्सीडीहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की कंबिनेशन से बना होगा या फिर वो हाइड्रोलाइज होने पर पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को येल्ड करेगा यानी वो इनका डेरिवेटिव होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स को आजकल केमिकली यू डिफाइन किया जाता है अब इन डेफिनेशंस में पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से क्या मुराद है इस बात को हमने अंडरस्टैंड करना है देखिए वर्ड पॉली पॉली का मतलब क्या होता है पॉली मीन्स मैनी पॉली मैनी के मीनिंग में लिया जाता है लेकिन मैनी की कोई रेंज होनी चाहिए ना मैनी कितनों को कहा जा रहा है यानी मोर देन वन को कहा जा रहा है मोर देन टू को कहा जा रहा है मोर देन टेन को कहा जा रहा है तो मैनी की कोई ना कोई एक लिमिट होनी चाहिए मिनिमम लिमिट के किस से ज्यादा को आप मैनी में शुहार करेंगे तो पॉली का मतलब तो मैनी होता है लेकिन जब ये पॉली हाइड्रोक्सी के साथ ये टर्म यूज होती है तो इसका मतलब हो जाता है मोर देन वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप हाइड्रोक्सी दरअसल ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप के लिए टर्म यूज की जाती है लिहाजा किसी भी कंपाउंड में अगर आपको एक से ज्यादा एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप नजर आते हैं तो उस कंपाउंड को आप पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कह सकते हैं मिसाल के तौर पर आप देखिए कि ये एक कंपाउंड है इसके अंदर एक से ज्यादा ओएच ग्रुप अगर यहां पर मौजूद हैं तो आप इस कंपाउंड को एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कह सकते हैं और जबकि एल्डिहाइड किसे कहा जाता है एल्डिहाइड ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है कार्बोनाइल में एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है और बाकी इस कार्बन का दूसरे एटम्स के साथ यहां पर रिलेशन होगा तो ये कार्बोनाइल ग्रुप अगर किसी कार्बन चेन की टर्मिनल पोजिशन के ऊपर आ जाए ये कार्बोनाइल ग्रुप अगर किसी कार्बन चेन की टर्मिनल पोजीशन के ऊपर हो जाए तो इस, इस, इस देखिए तो इस तो इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे होगा कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका यूं हो जाएगा कि ये देखिए कार्बोनाइल ग्रुप जो कि टर्मिनल पोजीशन पर पो मौजूद है तो इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो गया तो ये स्ट्रक्चर अब आपको नजर आ रहा है दिस इस और इसके आपको इसके अंदर एक से सिर्फ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है लिहाजा साथ साथ इस कंपाउंड को एज अ होल क्या कहेंगे पोलीहाइड्रोक्सीहाइड तो याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह से पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डीहाइड हो सकते हैं या फिर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे अब देखो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में भी पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब वही है कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन ओ एच ग्रुप ऑन अ कार्बन चेन जैसे आप देखिए एक ओ एच OH ग्रुप और एक और ओ एच OH ग्रुप यहां पर अगर मौजूद हो तो आप इस कंपाउंड को पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कह सकते हैं और कीटोन क्या चीज होती है अगर यही कार्बोनाइल ग्रुप जैसे हमने पहले कहा था कि टर्मिनल पोजीशन पर मौजूद हो तो ये अल्डी हेड कहलाता है और अगर यही कार्बोनाइल ग्रुप किसी कार्बन चेन की इंटरमीडिएट पोजीशन को ऑक्यूपाय कर ले दरमियान में अगर ये आ जाए तो ऐसी सूरत में इसे कीटोन कहा जाएगा जैसे आप देखिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने बन रहा है तो इसमें आप देख सकते हैं ये दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है और इस वक्त इसे कीटोन कहा जा रहा है जबकि इसके साथ साथ आपको एक से ज्यादा ओज ग्रुप्स भी यहां पे नजर आ रहे हैं तो ये कंपाउंड ना सिर्फ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है बल्कि साथ ये कीटोन भी है तो इस तरह से इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तो याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल नेचर या तो पॉलीहाइडोक्लडी होगी उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा या फिर उनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा और अगर कोई कंपाउंड ना इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है ना ऐसा स्ट्रक्चर रखता है तो वो लाजमी तौर पर फिर इनका कोई डेरिवेटिव होगा मिसाल के तौर पर आप अगर स्टार्च को कंसिडर करें तो स्टार्च एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बेसिकली ना तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डीहाइड है ना ही ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है लेकिन स्टार्च को अगर हाइड्रोलाइज किया जाता है तो अपॉन हाइड्रोलिस स्टार्च गिव गिवराइज ग्लूकोज और ग्लूकोज बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डीहाइड कंपाउंड्स हैं तो इस तरह से आप स्टार्च को भी कार्बोहाइड्रेट में शुमार करेंगे बिल्कुल इसी तरह से ग्लाइकोजन भी ना तो पोलीहाइड्रोक्सी है ना पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बट अपॉन हाइड्रोलसिस आप ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज हासिल करते हैं और ग्लूकोज चूंकि पोलीहाइड्रोक्सी है इस वजह से ग्लाइकोजन को भी आप कार्बोहाइड्रेट में शुमार करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की आपने केमिकल नेचर देखी कि कार्बोहाइड्रेट्स पोलीहाइडोक्सी अल्डीहैड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं अब जरा आप ये देखिए कि इनका फार्मूला बना के देखें जैसे आपको ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी पोलीहाइडोक्सीडीहैड नजर आ रहा है इसमें अगर आप काउंट करें कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट तो आप देखें वन टू थ्री तो सी थ्री इसी तरह से वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स एच सिक्स और फिर उसके बाद ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए वन टू थ्री तो थ्री ऑक्सीजन आपने देखा कि यहां पर फॉर्मूला क्या बना सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री यानी अगेन वही हाइड्रेटेड कार्बन वाली सिचुएशन आपको नजर आ रही है तो इसी तरह से अगर आप इस कंपाउंड को भी कंपेयर करें तो कार्बंस को काउंट कर लीजिए वन टू थ्री तो सी थ्री उसके बाद फिर हाइड्रोजन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये सिक्स हाइड्रोजन और उसके साथ 1 2 एंड 3 ऑक्सीजन तो आपने यहां पे भी देखा वही C3H6O3 आपके सामने अगेन वही हाइड्रेटेड कार्बंस वाली सिचुएशन फिर नजर आ रही है तो यही आपको मैंने अभी पहले बताया था कि हाइड्रेटेड कार्बंस का जो कांसेप्ट है कार्बोहाइड्रेट के मुताबिक वो गलत नहीं है लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो कांसेप्ट दूसरे कंपाउंड्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है. तो पोलीहाइडोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के तौर पर जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होगा ये स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जाएगा और किसी दूसरे कंपाउंड पर ये अप्लाई नहीं होता आपने अभी नोट किया था कि जो एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड है उसके अंदर कार्बोक्सा एसिड ग्रुप था उसमें अल्डीहाइड या कीटोन ग्रुप्स नहीं थे तो इस वजह से उसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में लाजमी तौर पर आपको अल्डीहाइड और कीटोन ग्रुप्स नजर आएंगे और इनकी बुनियाद पर कार्बोहाइड्रेट्स को करेक्टराइज किया जाता है लिहाजा यहां पर अगर किसी एमसीक्यू में आपसे यह पूछा जाए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट तो उसमें देखिए एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सीडीहाइड दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रेटेड कार्बन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ऑफ देम और ऑप्शन है ऑल ऑफ देम और अब आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलिंग इज इनकरेक्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट तो देखो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डीहाइड ये भी करेक्ट है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी करेक्ट है हाइड्रेटेड कार्बन भी मैंने अभी आपको बताया कि यह वाली बात भी करेक्ट है तो इसका मतलब है कौन सा इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट है तो नन ऑफ इज नैक्ट तो यहां पर नन ऑफ आप पिक करेंगे और अगर आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज लीस्ट अप्रोप्रिएट टू डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट तो सबसे कम जो अप्रोप्रिएट टर्म होगी कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने के लिए वो हाइड्रेटेड कार्बन की टर्म हो सकती है अलबत् ड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ये अप्रोप्रिएट टर्म्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने के लिए इनकी तरफ नहीं जाएंगे ऐसी सूरत में हम हाइड्रेटेड की तरफ जाएंगे और यहां पर अगर हम ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करें यहां पर देखिए ये जो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन हैं ए और बी अगर इसको आप मान लें तो यहां पर हम ऑप्शन रखते हैं बोथ ए एंड बी और आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोर सुटेबल टर्म्स टू डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट्स तो उसमें आप देखिए पोलीहाइड्रोक्सी एलडी हेड या पोलीहाइडोक्सी कीटोन तो बोथ ए एंड बी ये ज्यादा सुटेबल टर्म्स होंगी कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करने के लिए एज कंपेयर टू हाइड्रेटेड कार्बन तो हाइड्रेटेड कार्बन का कॉन्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट्स के मुताबिक दुरुस्त तो है लेकिन इसको आप ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे डिफाइन करने के लिए आपने किस डेफिनेशन को ज्यादा प्रेफर करना है आपने कहना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पोलीहाइडोक्सी हेल्डीहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और देयर डेरेवेटि अच्छा उसके बाद देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ये नेचर के अंदर कहां पर पाए जाते हैं और इनका क्या रोल है लिविंग बींग्स के अंदर तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स की अक्रेंस देखी जाए कि लिविंग बींग्स में ये कहां पाए जाते हैं तो आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल तमाम ऑर्गेनिजम्स में तमाम सेल्स के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स जरूर मिलते हैं जैसे आपको वुड या कॉटन के अंदर सेलोलोज मिलता है ये कार्बोहाइड्रेट की प्योर फॉर्म है इसी तरह से पेपर सेलोलोज का बना हुए ये भी कार्बोहाइड्रेट है स्टार्चेस प्रेजेंट इन सीरियल्स, ये भी कार्बोहाइड्रेट हैं और इसी तरह से जो रूट ट्यूबर है या पोटेटो ट्यूबर्स उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है शुगर केन में ये जो कॉमन शुगर हम खा रहे हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट की किस्म है ग्लूकोज और इसके अलावा मिल्क शुगर ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स हैं एज फार एज रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग बींग इज कंसर्न तो कार्बोहाइड्रेट फंक्शनल रोल भी परफॉर्म करते हैं और स्ट्रक्चरल रोल भी परफॉर्म करते हैं फंक्शनल रोल से मतलब यह है कि दे एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग बींग्स मिसाल के तौर पर स्टार्च जो कि एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स के अंदर ग्लाइकोजन विच इज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स और इसी तरह से ग्लूकोज ये एक एनर्जी रिलीजिंग कंपाउंड है इसके थ्रू एनर्जी लिबरेट होती है और उसको यूटिलाइज करता है ऑर्गेनिज्म अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज के अंदर सो तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर एक्ट कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल रोल भी परफॉर्म करते हैं और स्ट्रक्चरल रोल से यहां पर क्या मतलब है कार्बोहाइड्रेट एक्टेज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स फंजाए प्रोटेस्ट और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनिज्म है इस वजह से ये रोल इनका स्ट्रक्चरल रोल कह रहेगा ऐसे कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल्स क्या होंगी जैसे सेलुलोज इज फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल काइटिन इज फाउंड इन फंगल सेल वॉल पेक्टेन इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट सेल वॉल और पेप्टिडोग्लाइकन इज द पेप्टीडोगीटेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टेरिया अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स इसको आमतौर पर सेक्राइड्स या शुगर्स कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड्स या शुगर्स क्यों कहते हैं दरअसल ये सेक्राइड वर्ड सेक्रोन से ड्राइव किया गया ग्रीक वर्ड है सेक्रॉन वहां से ये सेक्राइड टर्म ड्राइव की गई है और सेक्रोन का मीनिंग क्या है सेक्रॉन मीन्स शुगर या सबस्टेंस हैविंग स्वीट टेस्ट आमतौर तो पर जो कार्बोहाइड्रेट्स नेचर के अंदर पाए जाते हैं उनका टेस्ट स्वीट होता है तो इस बुनियाद के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड्स के तौर पर कंसिडर किया जाता है तो एक सिंगल सेक्राइड यूनिट से क्या मुराद है हम अक्सर कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में टर्म सेक्राइड यूज करते हैं नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट्स की बात करते हैं तो एक सिंगल सेक्राइड यूनिट किसे कहते हैं दरअसल एक सिंगल सेक्राइड यूनिट एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डीड को कहा जाता है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कहा जाता है तो पॉलीहाइड्रोक्सी पोलीहाइडोक्सीड भी एक सिंगल यूनिट है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी एक सिंगल यूनिट है तो सिंगल सेक्राइड यूनिट के हवाले से समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज सिंगल सेक्राइड यूनिट और ऑप्शन दिए हुए कि इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी पोलीहाइडोक्सीडीहाइड या इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या इट इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओनली या इट इज अ ग्लाइसर मॉलिक्यूल ओनली या आईदर ए और बी तो देखिए इसमें आईदर ए और बी चाहे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये भी एक सेक्राइड यूनिट है यूनिट है लेकिन यहां पर जो ये ओनली ओनली लिखा हुआ है इसकी वजह से हम सिर्फ इन तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि हमें और जेनरल ऑप्शन की तरफ जाना है और जनरल ऑप्शन मैंने अभी जैसे आपको बताया कि एक कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सीडीहाइड सिर्फ ग्लूकोज नहीं बल्कि कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सीडीहाइड और इसी तरह से कोई भी कीटोन तो इनको आप सिंगल सेक्राइड यूनिट कहेंगे, लिहाजा जो राइट ऑप्शन यहां पे बनता है वो आधर ए और बी या तो पोलीहाइड्रोक्सी एल्डीहाइड सिंगल सेक्राइड यूनिट होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन सिंगल सेक्राइड यूनिट होगा तो राइट आंसर इज ई e. अच्छा जहां तक कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट करने की बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए एक जनरल फार्मूला आमतौर पर यूज किया जाता है और ये जनरल फार्मूला क्या है सी एक्स एच टू ओ होल वाई इस फार्मूले में आप देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं एक्स और वाई यहां पर एक्स से क्या मुराद है एक्स का मतलब यहां पर यह है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसी कार्बोहाइड्रेट में नंबर ऑफ कार्बन को एक्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और ये सी के साथ वो नंबर यहां पे लिखा जाएगा और ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ना ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर कम अज कम तो ये तीन है मिनिमम थ्री और मैक्सिमम कितने मैक्सिमम इसका नंबर कोई फिक्स नहीं है याद रखो कि ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब बात होगी तो मिनिमम कार्बन आइटम्स थ्री होंगे लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम के लिए यहां पर आप मैनी वर्ड यूज कर सकते हैं कि मैनी कार्बन में भी प्रेजेंट और वो हंड्रेड्स भी हो सकते हैं थाउजेंड्स भी हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट डिफाइंड नहीं है तो एक्स आपने देखा कि नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जबकि वाई वाई आप देखेंगे कि मुख्तलिफ केसेस में इसकी वैल्यू डिफर करती है अगर आप मोनोसेक्राइड जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपलेस्ट ग्रुप है इसके बारे में आप देख रहे हैं जनरल तो की वैल्यू होगी वही वाई की भी वैल्यू होगी मिसाल के तौर पर अगर एक्स सिक्स है तो वाई भी सिक्स होगा तो मोनोसेक्राइड में हमेशा ये y इक्वल टू एक्स होता है लिहाजा मोनोसेक्राइड के लिए अगर यहां पर सी एक्स एच टू ओ होल एक्स लिख दिया जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है समटाइम हम मोनोसेक्राइड के लिए सी एन एच टू ओ होल एन फॉर्मूला भी यूज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो याद रखें कि इनकेस ऑफ मोनोसेक्राइड वाई इज इक्वल टू एक्स जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की भी वैल्यू होगी मिसाल के तौर पर आप देख लें ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कार्बन सिक्स है और यहां पर हमने y को भी सिक्स ही रखा है तो इस तरह से अगर x और y दोनों को सिक्स रखें और ओपन करें तो आपके सामने ये ग्लूकोज का फार्मूला बन जाएगा अच्छा फिर इसी तरह से आप देखें कि अगर आप डाइसेक्राइड्स को डील कर रहे हैं तो डाइसेक्राइड्स के लिए फिर आप y की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे कि ये इक्वल टू एक्स नहीं है बल्कि इट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन यानी वन लेस देन एक्स के बराबर आपको y की वैल्यू मिलेगी अगर x की वैल्यू 6 है तो ये 5 हो जाएगी x की वैल्यू 12 है तो ये 11 हो जाएगी इस तरह से आपने इसको देखना है जैसे आप एग्जांपल देखिए सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन यहां पर आपको x की वैल्यू तो ये 12 नजर आ रही है जितने कार्बन आइटम्स हैं वो दरअसल x कहलाएगा तो x यहां पर 12 है लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू है दिस इज नॉट इक्वल टू x यहां पर y की वैल्यू x से एक कम है यानी इलेवन है और इस तरह से आप इसको जब ओपन करेंगे इलेवन यहां पर रख के वाई की जगह तो ये फार्मूला बन जाएगा तो डाई में y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन यानी इट इज वन लेस देन x बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि अगर आप ट्राई को डील कर रहे हैं तो y की वैल्यू x से दो कम हो जाएगी x माइनस टू हो जाएगी यानी आप ये एग्जांपल देखिए कि ये एक ट्राई मॉलिक्यूल है इसमें 18 कार्बन हैं और इसमें हाइड्रोजन 32 और ऑक्सीजन 16 है तो यहां पर एक्चुअली y की वैल्यू x माइनस टू है यानी x यहां पर 18 होगा तो यहां पर y 16 होगा अगर आप ये x की जगह 18 रखें और y की जगह 16 प्लेस करें और इसको ओपन करें तो आपके सामने ये फार्मूला बन जाएगा ठीक है तो इस तरह से ट्राइसेक्राइड के अंदर आप याद रखें कि y की वैल्यू x माइनस टू होगी बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इससे भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाते हैं आप टेट्रासेक्राइड पेंटा की तरफ जाएंगे तो आप एक एक मजीद कम करते जाएंगे थ्री इस तरह से यानी जितने मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उसके लिहाज से आपने एक एक कम करते चले जाना है एक्स में से एक, एक कम करते चले जाएंगे देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना यहां पर आपसे एक क्वेश्चन यू इस तरह पूछा जा सकता है जैसे जनरल फार्मूला टू रिप्रेजेंट अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज सी एक्स एच टू होल वाई वट इज द वैल्यू ऑफ द वाई इन अ ट्राई सेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है मॉलिकुलर फार्मूला दिस अब देखो अगर ये इस तरह से कोई मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है और कहा गया कि ये ट्राइसेक्राइड है तो इसमें आपने x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो वो तो सिंपली आपको नजर आ रही है कि c18 तो यही x है लेकिन यहां पर y की वैल्यू पूछी गई तो y की वैल्यू क्या होगी y की वैल्यू मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि ट्राइस के अंदर y की वैल्यू x माइनस टू होता है यानी टू लेस देन एक्स राइट आंसर right होना चाहिए देखो इसको y की वैल्यू को गेस गेस करने के लिए एक और तरीका यह होगा कि आपने फार्मूले में देखना है कि ऑक्सीजन का कंटेंट कितना दिया हुआ है जो ऑक्सीजन का कंटेंट दिया हुआ है वही दरअसल y की वैल्यू होती है तो अगर ऑक्सीजन 16 दिया हुआ है इसका मतलब है ये y 16 है अगर ये x 18 है और y 16 है तो इसका मतलब है कि y जो है वो टू लेस देन एक्स हो गया तो इस तरह से राइट right आंसर क्या बनेगा यहां पर द राइट आंसर इज सी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट्स की बेसिस कार्बोहाइड्रेट्स को तीन ग्रुप्स में कर सकते हैं तो कंपेयर करें इनकी करेक्टरिस्टिक्स को अगर कंपेयर किया जाए तो इन ग्रुप्स में पहला करेक्टर नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट की बुनियाद पर किया जा सकता है आप देखें मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड में वर्ड मोनो का मतलब क्या है मोनो मीन वन और मोनोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेक्राइड यूनिट और इसी तरह से ओलिगोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड में वर्ड ओलिगो का मतलब क्या होता है ओलिगो मीन फ्यू और यहां पर फ्यू की रेंज क्या है फ्यू की रेंज है टू से लेकर टेन तक यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एटलीस्ट टू सेक्राइड यूनिट और मैक्सिमम टेन सेक्राइड यूनिट मौजूद होंगे उनको आप ओलिगोसेक्राइड में इंक्लूड करेंगे यहां पर अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एटलीस्ट हाउ मेनी सेक्राइड यूनिट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन एन ओलिगो तो आंसर शुड बी टू और मैक्सिमम हाउ मेनी सेक्राइड यूनिट मस्ट बी प्रेजेंट इन एन ओलिगो तो फिर आंसर आएगा टेन और यहां पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट्स इन एन ओलिगो तो उसमें टू से टेन टू टू टेन फिर आपने आंसर को पिक करना है। फिर खाली टू को या खाली टेन को आपने पिक नहीं करना फिर आंसर टू टू टेन आपने पिक करना है

कार्बोहाइड्रेट में मिलते हैं तो वो ओलिगोसेक्राइड नहीं होगा जबकि पॉलीसेक्राइड तो पॉलीसेक्राइड में वर्ड पॉली का मतलब क्या है पॉली मीन मैनी अभी मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि ये पॉली का मतलब मैनी तो होता है लेकिन मैनी की कोई सर्टेन रेंज होती है जैसे आपने अभी हाइड्रोक्सी टर्म के अंदर पॉली का मीनिंग यूज किया था मोर देन वन लेकिन पॉलीसेक्राइड टर्म के अंदर वर्ड पॉली का मतलब मैनी तो है लेकिन यहां पर मैनी की रेंज मोर देन वन नहीं होगी यहां पर मैनी की रेंज आप सजेस्ट करते हैं मोर देन टेन यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें मोर देन टेन सेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट होंगे उनको दरअसल पोलीसेक्राइड कहा जाता है यहां पर देखिए आपसे अगेन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटलीस्ट हाउ मेनी सेक्राइड यूनिट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अ पोलीसेक्राइड तो देखो किसी पोलीसेक्राइड में एटलीस्ट कितने सेक्राइड यूनिट होंगे क्या इसमें एक सिंगल सेक्राइड यूनिट होगा या फिर इसमें टेन सेक्राइड यूनिट होंगे या फिर इसमें इलेवन सेक्राइड यूनिट होंगे या फिर इसमें मैनी सेक्राइड यूनिट होंगे तो क्या ऑप्शन आप पिक करेंगे अगर आपसे पूछा जाता है कि एटलीस्ट हाउ मेनी सेक्राइड यूनिट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अ पॉली तो यहां पर सबसे सुटेबल आंसर क्या बनता है 11 क्योंकि मोर देन टेन की जो रेंज है वो स्टार्ट ही इलेवन से हो रही है लिहाजा जब आपसे एटलीस्ट हाउ मेनी सेक्राइड यूनिट इन पॉलीसेक्राइड पूछा जाए तो फिर राइट right आंसर क्या होगा इलेवन इसी तरह से आप दूसरा फीचर इनका कंपेयर कीजिए कि मोनोसेक्राइड आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते अगर आप इनको फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को लूज कर देंगे ये फिर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेंगे अलबत इनके मुकाबले में मोर कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन से ये लेस कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे और इनको आप हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और जबकि आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और अपॉन ये एटलीस्ट इलेवन सेक्राइड यूनिट करेंगे और मैक्सिमम कितने करेंगे, इसका नंबर कोई इफेक्ट नहीं है ये अनकाउंटेबल नंबर होगा तीसरा एक और फीचर अगर इनका कंपेयर किया जाए वो इनकी सोलिबिलिटी है वाटर के अंदर इनमें आप देखिए कि मोनोसेक्राइड हाईली सोलेबल है वाटर में ओलिगोसेक्राइड की सोलेबिलिटी स्लाइटली लेस है और जबकि पोलीसेक्राइड ये जनरली इनसॉलेबल होते हैं वाटर के अंदर आपने इन प्रॉपर्टीज के वाले से केयरफुल रहना है कि देखिए मोनोसेक्राइड जब हम कहते हैं ना कि दे आर सिंपलेस्ट तो ये असल में ओलिगोसेक्राइड और पोलीसेक्राइड के मुकाबले में ये सिंपलेस्ट है और जब हम ओलिगोसेक्राइड के बारे में ही कहते हैं कि ये लेस कॉम्प्लेक्स हैं तो ये किससे लेस कॉम्प्लेक्स हैं ये दरअसल से लेस कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन मोनोसेक्राइड से ये मोर कॉम्प्लेक्स होंगे इसी तरह से जब हम ये सोलिबलिटी को कंपेयर करते हैं कि ओलिगोसेक्राइड आर लेस सोलबल इन वाटर तो एक्चुअली दे आर लेस सॉलेबल इन वाटर देन मोनोसेक्राइड बट दे आर मोर सोलिबल इन वाटर देन पोलीसेक्राइड तो इस तरह से सेक्टरिस्टिक्स के हवाले से केयरफुल रहेगा समटाइम ये करेक्ट्रिस्टिक्स के ऊपर भी एमसीक्यूज बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉलीगोसेक्राइड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज ट्रू अबाउट मोनोसेक्राइड या फिर पोलीसेक्राइड तो इस तरह से इन करेक्टर्स को आपने केयरफुली याद रखना है ताकि अगर इस तरह के किसी एमसीक्यू में आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाए तो आप उसको फॉरन समझ जाए और सही आंसर को पिक कर सकें इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी इनकी अगर कंपेयर की जाए इनका जो टेस्ट है तो आपको मोनोसेक्राइड स्वीटेस्ट नजर आएंगे अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट जो स्वीटेस्ट शुगर है इन द वर्ल्ड वो है फ्रेक्टोज फ्रेक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर और ये फ्रक्टोस बेसिकली एक मोरोसेक्राइड है वैसे तो ये फ्रेक्टोस सभी फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है लेकिन फ्रक्टोस की सबसे ज्यादा जो मिकदार है वो आपको हनी के अंदर मिलेगी और इसी वजह से हनी अपनी मिठास की वजह से मशहूर है एज स्वीट एज हनी आप आमतौर पर कहते हुए आपने सुना होगा आपने कभी ये नहीं कहते सुना होगा कि एस स्वीट एज शुगर केन या एस स्वीट एज शुगर बीट तो एक्चुअली हनी अपनी मिठास की वजह से इसी वजह से मशहूर है कि उसके अंदर फ्रक्टोस का अमाउंट कंपेरेटिवली ज्यादा है ओलीगोसेक्राइड ये बोनोसेक्राइड के मुकाबले में लेस स्वीट टेस्ट रखते हैं और जबकि पोलीसेक्राइड ये टेस्ट लेस होंगे इनका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होगा तो इस तरह से हमने इन तीनों ग्रुप्स की करेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया है तो इन करेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह से आपने याद रखना है कि इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.